गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम ममता चौधरी, योर साइंस टीचर. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 3 एनिमल्स बर्ड्स इन साइंस. सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द कॉमन बर्ड्स इन इंडिया. बॉडी पार्ट ऑफ बर्ड्स, बीक, फीट, फेदर एंड हाउ बर्ड्स फ्लाई. Food habit of birds, nest of some interesting birds, beaver, tailor, woodpecker, birds. Some other interesting facts about bird and bird bath and care of animals. Okay student, first we have to know what is bird. Bird are vertebrate animal with backbone, with wings and feathers. Most birds can fly using powerful muscles to flap their wings. Birds जो होती है, आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा अपने घरों में, उसके पास विंग्स होते हैं, पावरफुल मसल्स होते हैं, जिससे कि वो स्काई में फ्लाई कर सकती है. यू मस्ट हैव सीन लॉट्स ऑफ कलरफुल बर्ड्स अराउंड योर होम और इन द पार्क. आप लोगों ने बहुत सारी कलरफुल बर्ड्स देखी होंगी अपने घर के आसपास और अपने पार्क के आसपास. समवन हु विजिट्स डेली इन द पार्क मस्ट हैव सीन डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन अ ट्री. जो लोग डेली पार्क्स में जाते हैं और डेली घूमते हैं बाहर, उन्होंने ज़रूर ही बर्ड्स को ट्रीज पर बैठे हुए देखा होगा. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की बर्ड्स को ट्री पर बैठा हुआ, वॉल्स पर बैठा हुआ देखा होगा. स्पैरो, पैरट, क्रो, ईगल्स, पीजन्स आर सम कॉमन बर्ड्स दैट वी कैन ईजीली वॉच इन आवर लोकेलिटी. स्पैरो जो होती है बच्चों, ये स्पैरो बर्ड जो है वो कॉमन बर्ड है जो कि नॉर्मली हमें अपनी लोकेलिटी में देखने को मिल जाती है. पैरट, ईगल, पीजन, दीज बर्ड्स आर कॉमन दैट कैन ईजीली फाउंड इन आवर एरिया. देयर आर मोर देन 9,900 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड. दे आर द ओनली एनिमल विथ फेदर. इस पूरे वर्ल्ड में 9,900 तरीके की बर्ड्स की स्पीसीज मिलती हैं. ये अकेला ऐसा जानवर है जिसके पास फेदर्स हैं, पंख हैं. फेदर माने होता है पंख. फेदर्स कीप देम वार्म एंड हेल्प देम फ्लाई. जो फेदर होते हैं वो इनको गर्म रखते हैं, इनकी बॉडी को वार्म करते हैं और इनको फ्लाई करने में, उड़ने में मदद करते हैं. लाइक अदर लिविंग बींग्स वर्ड ऑल्सो नीड फूड. और लिविंग बींग्स मतलब जो दूसरे लिविंग बींग्स, मतलब जो जीवित अलाइव हैं एनिमल्स, उनकी तरह बर्ड्स को भी फूड की नीड होती है. सम बर्ड्स ईट ग्रेन, सीड्स एंड फ्रूट्स वाइल सम अदर ईट फ्लैश एंड स्मॉल इंसेक्ट. कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो ग्रेन खाती हैं, अनाज खाती हैं और बीज सीड्स खाती हैं, बीज को खाती हैं और फ्रूट्स खाती हैं. और कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो फ्लैश खाती हैं, मांस को खाती हैं और छोटे छोटे जानवरों, इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को खाती हैं. बर्ड्स यूज देयर बीक एंड क्लॉ फॉर गेटिंग फूड. जो बर्ड्स के बच्चों बीक होता है ये चोंच और क्लॉ होते हैं ये पंजे. तो जो बर्ड्स के बीक और क्लॉ होते हैं वो किस लिए हेल्प करते हैं, वो किस लिए हेल्पफुल होते हैं, टू गेटिंग फूड, फूड को लेने के लिए. बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड. लुक एट दिस पिक्चर. देयर इज अ डिफरेंट टाइप, देयर इज डिफरेंट पार्ट्स दैट बर्ड्स हैज. आईज, हेड, दिस इज अ विंग्स. बॉडी, दिस इज अ बॉडी. दिस इज अ टेल. This is a feet. This one is claw. This is flight feathers. And this one is beak. Okay, student. This is a body part of a bird. All birds have feather on their body. सारे birds के पास feather होते हैं उनकी body पर. They have a pair of wings and a tail. उनके पास जोड़ा होता है, दो जोड़े होते हैं wings के, पंखों के, और एक टेल होती है. दे हैव टू टिनी स्पॉट्स कवर्ड विथ देयर स्किन विच हेल्प देम टू हियर. जो बर्ड्स होती हैं उनके पास दो छोटे छेद होते हैं, टिनी स्पॉट्स,
जो कि उनके स्किन के से कवर्ड रहते हैं, और वो किस लिए काम आते हैं, वो सुनने के काम आते हैं। द ईयर्स आर लोकेटेड बिहाइंड द आइज, और जो ईयर्स होते हैं वो आइज के बिहाइंड होते हैं। दे हैव टिनी होल्स ऑन द बीक, जो बर्ड होती है उसकी बीक में एक होल होता है छोटा सा, थ्रू विच दे ब्रीथ, ये क्या करती है उसके थ्रू वो सांस ले पाती है। दे हैव टू आइज टू विंग्स एंड टू फीट विथ क्लॉ, जो बर्ड होती है उसकी दो आइज होती हैं, दो विंग्स होती हैं, दो फीट होते हैं और एक और दो क्लॉ होते हैं। ये तो हो गया बच्चों बॉडी पार्ट ऑफ अ बर्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बर्ड्स बीक। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड दे ईट, जो बर्ड्स होती हैं उनके पास डिफरेंट टाइप्स की बीक होती है। वो बीक का शेप और साइज किस पर डिपेंड करता है, उनकी हैबिट ऑफ ईटिंग पर, वो किस तरीके खाना खाती हैं उससे ही पता चलता है कि उनकी बीक कैसी है। बीक में भी शॉर्ट, लॉन्ग, हार्श, शैगी एंड हॉर्नी, जो बीक होती है, जो चोंच होती है वो शॉर्ट हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, हार्ड हो सकती है, सैगी हो सकती है एंड हॉर्नी हो सकती है। बीक जो है वो छोटी भी हो सकती है, लंबी भी होती हैं, हार्ड कड़क भी होती हैं, शैगी मतलब बालों से घिरी हुई भी होती हैं, और हॉर्नी मतलब पैनी नुकीली सींगों जैसी भी होती हैं। बर्ड्स यूज देयर बीक टू क्रैक नट्स, टू पिक एंड ईट ग्रेन, टू टीयर फ्लैश एंड टू क्रश देयर प्रे, जो बर्ड की बीक होती है वो किस लिए यूज़ में आती है, नट्स को तोड़ने के लिए, ग्रेन्स को उठाने के लिए और खाने के लिए, फ्लैश मांस को फाड़ने के लिए, टीयर करने के लिए, और अपने प्रे को मतलब शिकार को तोड़ने के लिए। Now student, we will discuss about different kinds of beak. First beak is strong and hooked beak. This type of beak is used for tearing flesh. Birds like eagle, owl and vulture, they have strong and hooked beak. बच्चों जो स्ट्रॉन्ग और हुक्ड बीक होती है वो किस टाइप के बर्ड्स की होती है, ईगल, आउल और वल्चर। हुक्ड का मतलब होता है हुक, वो कैसे होता है, तो देखो इनकी जो बीक है, इनकी जो बीक है वो भी हुक्ड शेप की है। तो जो बीक हुक्ड शेप की होती है वो किस काम के लिए आती है, वो स्ट्रॉन्ग और हुक्ड मतलब स्ट्रॉन्ग भी होगी और हुक शेप की होगी। ये टीयर द फ्लैश, फ्लैश को फाड़ने के लिए, मांस को फाड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बीक की ही ज़रूरत होती है। तो वो किसके पास होती है, ईगल, आउल, वल्चर हैज़ स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ बीक, स्ट्रॉन्ग चेसल शेप्ड बीक। चेसल माने आप बच्चे जानते हो चेसल का मतलब क्या होता है, चेसल आर टूल विद अ शार्प एंड दैट इज़ यूज फॉर कटिंग और शेपिंग वुड। जो चैसल होते हैं आपने वो देखे हैं, आपके यहाँ जो घर बनाने वाले होते हैं मिस्त्री, उनके पास छैनी होती है, छैनी को कहते हैं चैसल। वो एक शार्प्ड एंड की होती है और वो कटिंग के लिए और शेपिंग को, वुड शेप करने के लिए होती है। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग चैसल शेप्ड बीक इस तरीके की देखो, जैसे कि हुप्पो और वुड पैकर की है। इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का काम यही होता है कटिंग करना और शेप करना वुड को। दिस टाइप ऑफ बीक इज़ फाउंड इन द बर्ड दैट ड्रिल द वुड और क्रैक द नट्स, ये उन टाइप के बर्ड्स में मिलती है जो कि लकड़ी को ड्रिल करते हैं, ड्रिल मतलब उसमें छेद करते हैं और नट्स को क्रैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स लाइक हुप्पो एंड वुड पैकर यूज देयर बीक टू ड्रिल द वुड टू मेक देयर होम और इन सर्च ऑफ इंसेक्ट इन द ट्री ट्रंक। ये जो हुप्पो और वुड पैकर होते हैं ये अपने बीक का यूज़ किस लिए करते हैं, ड्रिल करने के लिए, जो तना होता है ट्रंक होता है ट्री का उसको ड्रिल करते हैं, टू स्टे और टू मेक देयर नेस्ट, अपना नेस्ट बनाने के लिए, उसमें रहने के लिए, और टू सर्च द इंसेक्ट फॉर फूड, खाने के लिए भी वो इंसेक्ट को इन होल्स में से ढूंढते हैं।
थर्ड वन इज लॉन्ग पॉइंटेड बीक. लॉन्ग पॉइंटेड बीक, लंबी और पॉइंट वाली बीक. दिस टाइप ऑफ बीक इज यूज फॉर पोकिंग और प्रूबिंग इन टू अ फ्लावर. प्रोबिंग, दिस टाइप ऑफ बीक, ये किस तरीके की बीक होती है, ये फ्लावर में. पोकिंग मतलब टू पुश समबडी विद अ लॉन्ग थिन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ से पुश करना, किसी चीज़ को अंदर की साइड पुश करना. और प्रूबिंग होता है जैसे पोकिंग मतलब खुरेदना होता है, प्रोबिंग होता है, प्रोबिंग का मतलब होता है खोज करने वाला. पोकिंग मतलब खुरेदना और प्रोबिंग मतलब खोज करना फ्लावर में. इन कुछ बर्ड्स होती हैं जो इंसेक्ट्स वगैरह को खोजती हैं, और कुछ बर्ड्स होती हैं जो फ्लावर्स से नेक्टर वगैरह लेती हैं. बर्ड्स लाइक सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड हैव सच टाइप ऑफ बीक. ये हमिंग बर्ड और सन बर्ड, ये दो टाइप की बर्ड्स हैं जिनके पास लॉन्ग पॉइंटेड बीक होता है. नाउ नेक्स्ट बीक, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट एंड हार्ड बीक. दिस टाइप ऑफ बीक इज यूज टू क्रैक द नट्स एंड ईट द ग्रेन. नट्स जो होते हैं बहुत हार्ड ऑब्जेक्ट होता है, उसको क्रैक करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बीक की ज़रूरत होती है और हार्ड बीक की ज़रूरत होती है. जो कि वो किस बर्ड्स के अंदर मिलते हैं, वो मिलते हैं पैरट, पीजन, स्पैरो. पैरट, पीजन, स्पैरो, दीज आर द बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग शॉर्ट एंड हार्ड बीक. नेक्स्ट इज ब्रॉड, सॉफ्ट एंड फ्लैट बीक. ब्रॉड मतलब चौड़ी, सॉफ्ट मतलब मुलायम, और फ्लैट मतलब समतल. ये बीक जो होती हैं वो किस बर्ड में होती हैं. दिस टाइप ऑफ बीक इज़ यूज फॉर डिगिंग अप द मड अंडर वाटर इन सर्च ऑफ फूड. ये इस टाइप की जो बीक्स होती हैं, मतलब कि इस तरीके से देखो, ये जो आपके डक है, डक की बीक देखो, ब्रॉड है, फ्लैट है, सॉफ्ट है. गूज की भी, स्वान की भी, स्पून बिल की भी. ये जो बर्ड्स हैं, दीज बर्ड्स हैज ब्रॉड, सॉफ्ट एंड फ्लैट बीक. इट इज़ यूज फॉर डिगिंग अप द मड अंडर द वाटर इन सर्च ऑफ फूड. फूड को सर्च करने के लिए, फूड को, वाटर के अंदर भी बच्चे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जिनको ये बर्ड्स अपने बीक से मड को क्या करती हैं, डिग करती हैं, खोदती हैं, उसमें से अपना फूड सर्च करती हैं. बीक ऑफ डक हैज स्टेनर अलॉन्ग इट्स साइड. थ्रू दीज स्टेनर्स इट सीप्स आउट मड एंड वाटर एंड द टिनी प्लांट्स एंड इंसेक्ट रिमेन इन साइड द डक्स माउथ. बच्चों, जो स्टेनर होता है, स्टेनर का मतलब होता है छन्नी. आपने अपने घर में छन्नी देखी होगी जिससे हम चीज़ें छानते हैं. तो जो बीक होती है, डक की बीक जो होती है, उसके अंदर एक छलनी लगी रहती है जो क्या करता है, चीज़ों को छानता है, मड को अलग कर देता है और वाटर को अलग कर देता है. किससे? प्लांट से और इंसेक्ट से. प्लांट और इंसेक्ट इनके मुंह में रह जाते हैं और ये मड एंड वाटर जो है वो छन के अलग हट जाता है. स्टूडेंट, ये थे हमारी बीक्स. हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक पढ़ी. वी हैव लर्नड अबाउट फाइव टाइप्स ऑफ बीक. वन इज स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक, और सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग चेसल शेप्ड बीक, एंड थर्ड वन इज लॉन्ग पॉइंटेड बीक, फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग शॉर्ट एंड हार्ड बीक, और लास्ट वन इज ब्रॉड, सॉफ्ट एंड फ्लैट बीक. टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट बर्ड्स फैदर. जो डिफरेंट बर्ड्स होती हैं उनके फैदर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. बच्चों, हमें देखने में ऐसा लगता है जैसे कि फैदर बर्ड्स के एक जैसे होते हैं, लेकिन आपको पता है बर्ड्स के पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फैदर्स होते हैं. बॉडी ऑफ अ बर्ड इज़ कवर्ड विथ फोर काइंड ऑफ फैदर. जो बर्ड की बॉडी होती है वो चार तरीके के फैदर्स से कवर्ड रहती है. फर्स्ट इज बॉडी फैदर. पहला फैदर है बॉडी फैदर. दीज आर द आउटसाइड फैदर ऑफ अ बर्ड दैट वी कैन सी. दीज फैदर हेल्प टू गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टोअर फैदर्स. बच्चों, जो बॉडी फैदर होते हैं ये आउटसाइड फैदर होते हैं जो हमें ऊपर से दिखते हैं. वी कैन सी आउटसाइड फैदर ऑफ अ बर्ड. हम बाहरी जो फैदर होते हैं उनको देख पाते हैं बर्ड्स के. दीज फैदर हेल्प, जो ऊपर के फैदर्स बॉडी फैदर्स होते हैं, इट इज़ हेल्प टू शेप
द बॉडी ऑफ द बर्ड, बर्ड की जो बॉडी होती है उसको शेप देते हैं, इनको कॉन्टोर फैदर भी कहते हैं। कॉन्टोर का मतलब आप समझते हो, कॉन्टोर मीन्स द शेप ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का आउटर शेप देना उसको कहते हैं, आउटर सरफेस को शेप देना उसको कहते हैं कॉन्टोर। बॉडी फैदर इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टोर फैदर्स। सेकेंड टाइप ऑफ फैदर इज फ्लाइट फैदर। दीज आर द फैदर्स दैट आर अटैच टू द विंग्स एंड टेल्स ऑफ द बर्ड। ये जो फैदर होते हैं ये किससे, जो पंखे होते हैं बर्ड्स की, जो पंख होती हैं और जो टेल होती हैं उससे अटैच होते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं। दीज आर बिगर इन साइज एंड स्ट्रोंगर। ये साइज में बड़े होते हैं और स्ट्रोंगर होते हैं। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। फ्लाइट फैदर ही है वो फैदर जो बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। दीज आर नोन एज फ्लाइट फैदर। दीज फैदर इज नोन एज फ्लाइट फैदर। इनको फ्लाइट फैदर भी बोलते हैं। फ्लाइट माने क्या होता है बच्चों, उड़ना, तो उड़ने वाले फैदर। फ्लाइट फैदर हैव कंट्रोल रोड एंड कंट्रोल रॉड और क्विल। रॉड माने होती है छड़ी और क्विल माने होते हैं जो बर्ड होते हैं उनके पंख, क्विल। ओके, तो जो फ्लाइट फैदर होते हैं वो कंट्रोल करते हैं बड़े बड़े पंखों को और छड़ी को, जो एक तरीके से बर्ड के अंदर छड़ी मतलब लकड़ी नहीं होती, उसके अंदर जो रॉड होती है उसको और क्विल को उसके कंट्रोल करते हैं फ्लाइट फैदर। These feathers are tightly knitted। ये फैदर ऐसा लगता है जैसे कि बहुत टाइटली सिले हुए हैं, जुड़े हुए होते हैं टाइटली। ये एक्चुअली निटेड मतलब जुड़ा होना है, यहाँ पे सिलने से नहीं है। थर्ड वन इज डाउन फैदर। दीज टाइप ऑफ फैदर आर फाउंड अंडर द बॉडी फैदर। दीज आर स्मॉल फ्लफी एंड सॉफ्ट फैदर। जो बॉडी फैदर होते हैं बच्चों, जो हमें ऊपर से दिखते हैं, जो आउटर साइड फैदर होते हैं, उसके जस्ट नीचे वाले फैदर्स जो होते हैं उसको कहते हैं डाउन फैदर्स। ठीक है बच्चों, ये कहाँ मिलते हैं हमें, ये मिलते हैं बॉडी फैदर के अंडर नीचे। दीज आर स्मॉल, छोटे फैदर होते हैं, बहुत फ्लफी सॉफ्ट और बहुत कुदकुदे होते हैं, बहुत फूले फूले से फैदर्स होते हैं। दे कीप द बर्ड वार्म। ये बर्ड को किस लिए क्या देते हैं, हीट देते हैं, गर्मी देते हैं, उसको वार्म रखते हैं। लास्ट वन इज टेल फैदर। दीज फैदर एक्ट एज रडर। अ बर्ड यूजेज इज टेल फैदर्स फॉर स्टीयरिंग एंड बैलेंसिंग। रडार होता है बच्चों, आपने रडार देखा है जो हमें डायरेक्शन बताता है। रडार अ पीस ऑफ वुड और मेटल दैट इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग द डायरेक्शन। रडार को यूज़ करते हैं हम डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो जो बर्ड की टेल होती है, जो बर्ड की टेल होती है उसके जो फैदर होते हैं वो एक तरीके से स्टीयरिंग का काम करते हैं। स्टीयरिंग, यू नो व्हाट इज़ स्टीयरिंग, यू हैव सीन द पार्ट ऑफ अ व्हीकल द कंट्रोल द डायरेक्शन। इट इज़ एक्चुअली फाउंड इन कार, ट्रक्स वगैरह में ये आपको दिखती है स्टीयरिंग। ये स्टीयरिंग जो होती है वो किसके लिए होती है, कंट्रोल करने के लिए, डायरेक्शन को मूव करने के लिए। तो सेम उसी तरीके से जो बर्ड्स की टेल होती हैं वो भी एक तरीके से स्टीयरिंग होती हैं और वो बैलेंस करती हैं डायरेक्शन को और रडार का काम करती हैं। दीज फैदर अलाउ अ बर्ड्स टू ट्विस्ट एंड टर्न इन फ्लाइट। ये जो फैदर होते हैं टेल फैदर मतलब पूंछ पे जो उसके फैदर्स होते हैं, पंख होते हैं, वो बर्ड को क्या करते हैं, ट्विस्ट मतलब ऐंठना और टर्न मतलब मुड़ना, उड़ते हुए टर्न करने में हेल्प करते हैं। दीज फैदर ऑल्सो एक्ट एज अ ब्रेक फॉर लैंडिंग। यही वो फैदर्स हैं, टेल फैदर्स जो होते हैं वो एक तरीके से ब्रेक का काम करते हैं लैंड करने के लिए। जब वो ऊपर होते हैं तो वो बर्ड्स ऊपर जब फ्लाई कर रही होती हैं तो वहाँ पे टेल फैदर ब्रेक लगाने के काम आते हैं और उनको लैंड करने में हेल्प करते हैं। सम मेल बर्ड्स हैव लॉन्ग और ब्राइटली कलर्ड टेल फैदर। जो कुछ मेल बर्ड्स होते हैं मतलब फीमेल होती हैं औरतें और मेल होते हैं आदमी, जो आदमी बर्ड्स होते हैं वो उनके पास जो टेल फैदर होती है वो कैसी होती है, लंबी और ब्राइट और कलरफुल। ये देखो बच्चों, ये होती है बॉडी फैदर, ये है फ्लाइट फैदर्स, ये है डाउन फैदर, ये है टेल फैदर।
सबके शेप, सबके साइज, सबके शेप एंड साइज डिफरेंट है, सबका वर्क अलग है, सबकी फंक्शंस अलग हैं। बॉडी फेदर जो होते हैं वो आउटसाइड फेदर होते हैं, ये इट हेल्प टू गिव शेप ऑफ द बर्ड्स बॉडी। सेकेंड वन इज़ फ्लाइट फेदर, इट इज़ यूज टू फ्लाइट फेदर इज यूज टू फ्लाई इन द स्काई। डाउन फेदर हेल्प्स द बर्ड्स टू कीप वार्म, एंड टेल फेदर हेल्प एज अ स्टीयरिंग और रडार और बैलेंसिंग द डायरेक्शन फॉर ब्रेकिंग फॉर लैंडिंग। दीज आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेदर दैट बर्ड हैव। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स कैसे उड़ती हैं? बर्ड फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। द विंग्स ऑफ अ बर्ड मेक टू मूवमेंट, नेमली द अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। बच्चों जो बर्ड होती है वो कैसे उड़ती है? वो अपनी विंग्स, अपने फेदर से, अपने पंखों से उड़ती है। जो विंग्स, बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं उनके टू मूवमेंट्स होते हैं, एक होता है अप स्ट्रोक ऊपर की साइड, फिर वो नीचे की साइड आता है, डाउन स्ट्रोक फिर ऊपर साइड फिर नीचे साइड। वो इस तरीके से फ्लाई करती हैं। इट इज़ क्वाइट लाइक हाउ वी मूव आवर आर्म्स व्हेन वी स्विम। जैसे हम पानी में स्विम करते हैं, सेम उसी तरीके से बर्ड फ्लाइट में एयर में फ्लाई करती है विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। हाउ बर्ड फ्लाई, बर्ड कैसे फ्लाई करती है? अ बर्ड बॉडी इज वेल सुटेड फॉर फ्लाइंग। जो बर्ड की बॉडी होती है बहुत ही सूटेबल है फ्लाइंग के लिए। उसकी बॉडी भगवान ने ऐसी बनाई है कि वो ही एक ऐसा एनिमल है जो कि फ्लाई कर सकता है। क्यों कर सकता है? अ बर्ड बॉडी इज बोट शेप, उसकी जो बॉडी है वो कैसी है? बोट शेप की है। दिस हेल्प इट टू कट थ्रू द एयर ईजिली। जो उसकी शेप है, बोट शेप जो बॉडी है उसकी, वो एयर को कट करने में हेल्पफुल रहती है। वो ईजिली से एयर को कट करके आगे निकलती जाती है। इट बोन्स आर टाइट एंड होलो, लाइट एंड होलो सॉरी। उसके जो बोन्स हैं वो कैसे हैं? हल्के होते हैं और खोखले होते हैं, होलो होते हैं, भारी बोन्स नहीं होते। भारी चीज़ का एयर में उड़ नहीं सकती, इसलिए भगवान ने उसके जो बोन्स हैं वो ऐसे बनाए हैं, लाइट हैं और वो होलो हैं। दिस मेक्स इस बॉडी वेरी लाइट एंड सुटेबल फॉर फ्लाइंग। जो बर्ड की बॉडी है वो बहुत लाइट, बहुत हल्की है और सुटेबल है फ्लाइंग करने के लिए। अ बर्ड हैज़ विंग इंस्टेड ऑफ आर्म। बर्ड के पास विंग्स होते हैं आर्म्स की जगह। जैसे हमारे पास आर्म्स होते हैं, बाजुएं होती हैं, वैसे ही बर्ड्स के पास विंग्स होती हैं, पंख होते हैं। द विंग्स आर जॉइंट टू इट्स बॉडी विद वेरी स्ट्रॉन्ग मसल। उसके जो विंग्स हैं वो बॉडी से कैसे जॉइन होते हैं? वो बॉडी में जॉइन रहते हैं स्ट्रॉन्ग मसल के थ्रू। द मसल्स हेल्प द विंग्स टू फ्लाई अप एंड डाउन। जो वो मसल होती है, स्ट्रॉन्ग मसल जो होती है, वो मजबूत मसल जो होती है, वो ही विंग्स को ऊपर नीचे करने में हेल्प करती है। इट्स टेल हेल्प इट टू चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। जब वो उड़ती है तो उसकी जो टेल होती है वो डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्पफुल होती है। सबसे बड़ी बात, जो बर्ड की शेप है, बर्ड हैज़ अ बोट शेप्ड बॉडी। इट कट थ्रू द एयर ईजिली। इट हैज़ अ बोन्स आर लाइट एंड होलो। सेकेंड मोर थिंग, इट डजंट हैव आर्म्स, इट हैज़ विंग्स। इंस्टेड ऑफ आर्म इट हैज़ विंग्स। बर्ड हैज़ टेल विच हेल्प टू चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। सो बच्चों, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, फ्लाइंग डिफरेंटली। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लाइंग डिफरेंटली। कौन से बर्ड्स कैसे उड़ते हैं ये हम पढ़ेंगे इसमें। द फ्लाइंग पैटर्न ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स आर डिफरेंट। हर तरीके की बर्ड्स के उड़ने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। सम बर्ड्स लाइक क्रेन, पीजन, क्रो कैन फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। कुछ बर्ड्स होती हैं जो क्रेन है, पीजन है, देखो ये रही क्रेन, पीजन, क्रो, ये जो बर्ड्स होती हैं बच्चों, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक, बहुत ऊंचाई तक, दूरी तक उड़ सकती हैं, नॉट ऊंचाई तक, बहुत दूरी तक उड़ सकती हैं। हैन एंड पिकॉक फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंस। हैन और जो पिकॉक होते हैं, दे कैन फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंस।
ईगल एंड वल्चर फ्लाई हाई अप इन द स्काई. ईगल वल्चर जो होते हैं बच्चों वो हाई, ईगल और वल्चर जो है वो फ्लाई हाई करते हैं, ये हाई फ्लायर्स होते हैं. स्पैरो एंड बुलबुल फ्लाई लोअर डाउन. जो स्पैरो और बुलबुल होते हैं वो नीचे उड़ते हैं. सम बर्ड्स लाइक कीवी, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड ईमू कैन नॉट फ्लाई. कुछ बर्ड्स ऐसी भी हैं बच्चों जो उड़ नहीं सकती हैं. वो कौन कौन सी बर्ड्स हैं? कीवी बर्ड, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन और ईमू, ये बर्ड्स जो उड़ नहीं सकती. यहाँ पे ये देखिए पिक्चर्स. दीज आर द हाई फ्लायर्स वल्चर एंड ईगल. दीज आर द लो फ्लायर्स बुलबुल एंड स्पैरो. कीवी एंड ईमू इज द फ्लाइटलेस बर्ड. क्रेन, हैन, ईगल एंड स्पैरो बर्ड एग्जिबिटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लाइट. ये इनकी डिफरेंट डिफरेंट काइंड की फ्लाई उड़ान होती हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फीट एंड क्लॉज. फीट होता है बच्चों जो बर्ड्स होती हैं उनके पैर और पंजे, और क्लॉज होते हैं, क्लॉज होते हैं नाखून जो उनके पंजे. कैसे होते हैं वो हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव टू फीट विद फोर क्लॉड टोज. ज़्यादातर बर्ड्स के दो पंजे होते हैं जिसमें कि चार उनकी ये 1 2 3 4 चार नाखूने होते हैं. क्लॉड माने होता है फिंगर नेल्स, टोज माने होता है फिंगर ऑफ फूट पैर की उंगली. उसकी चार उंगलियां होती हैं और दो पंजे होते हैं. फीट हेल्प देम टू स्टैंड ऑन एंड वॉक. जो फीट होते हैं वो बर्ड्स को चलने में और खड़े होने में हेल्पफुल हेल्प करते हैं. द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्लॉज डिपेंड ऑन द प्लेस द बर्ड्स लिव. जो बर्ड्स के पंजे होते हैं, ये जो पंजे होते हैं उनका जो शेप और स्ट्रक्चर होता है, उनकी जो बनावट होती है वो किस पर डिपेंड करती है? इट्स डिपेंड ऑन द प्लेस वेयर दे लिव, जो वहाँ पर ये लोग रहते हैं और ये जो खाते हैं. इनकी जो फीडिंग हैबिट्स होती हैं बर्ड्स की, उस पर डिपेंड करता है कि इनका जो क्लॉज की शेप और स्ट्रक्चर है वो कैसा है. द क्लॉज हेल्प देम इन बैलेंसिंग, वॉकिंग, स्विमिंग एंड वेडिंग इन वाटर एंड कैचिंग द प्रे. जो इनके क्लॉज होते हैं बर्ड्स के, वो उनको बैलेंस करने में, उनको साधने में और चलने में, स्विमिंग करने में, तैरने में, और वेडिंग मीन्स टू वॉक विद डिफ़िकल्टी थ्रू मड्स और वाटर. जो कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनके लॉन्ग लेग्स होते हैं वो मड में रहती हैं, तो वहाँ चलने में इनके ये हेल्प करते हैं अपने शिकार को पकड़ने में. पर्चिंग बर्ड्स. पर्चिंग बर्ड्स लाइक स्पैरो, क्रो एंड पैरट हैव थ्री टोज पॉइंटिंग टू फॉरवर्ड एंड वन टोज पॉइंटिंग बैकवर्ड. पर्चिंग बर्ड्स, पर्चिंग मीन्स टू सिट ऑन अ ब्रांच फॉर रेस्ट. दोज बर्ड्स रेस्ट ऑन अ ब्रांच इज कॉल्ड पर्चिंग बर्ड. एंड दीज बर्ड्स आर स्पैरो, क्रो एंड पैरट. दे हैव थ्री टोज. इनके तीन टोज होते हैं जो आगे की साइड होते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. क्रो हैज थ्री टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड, आगे की साइड है, एंड वन टो पीछे वाला जो है, वन टो पॉइंटिंग बैकवर्ड, ये पीछे की साइड होता है. दीज हेल्प देम इन होल्डिंग द ब्रांचेस टाइटली वाइल सिटिंग ऑन द ट्री. ये जो इनका शेप होता है ये इस तरीके से होता है बच्चों. तो ये जो ब्रांच है उसको आगे से ऐसे होल्ड और पीछे से ऐसे होल्ड करके बैठ सकते हैं. इनके जो क्लॉज होती हैं वो इस तरीके से बने होते हैं. वाटर बर्ड्स लाइक डग एंड गीज हैव वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग. वेब्ड मीन्स बर्ड्स हैविंग पीस ऑफ स्किन बिटवीन द टोज. जो उनके टोज होते हैं बच्चों, देखो ये टोज हैं, इनके बीच में जो स्किन होती है ये एक तरीके से जाले जैसा लगता है, वेब स्किन, इस वेब जैसी लगती है, इसलिए इनको वेब फीट कहते हैं.
जो वाटर बर्ड्स होती हैं उनकी फीट थोड़ी बैक फीट जैसे होती हैं स्विमिंग में, वो हेल्पफुल रहती हैं। द फ्रंट टोज ऑफ दीज बर्ड्स आर जॉइंड बाई स्किन गिविंग देम अ फ्लैट अपियरेंस। जो इनकी टोज होती हैं वो इनको फ्लैट अपियरेंस देती हैं और स्विमिंग करने में हेल्पफुल होती हैं। ये आपका होगा गीज डक, इन दोनों बर्ड्स के ये वाटर बर्ड्स हैं और इनकी जो क्लॉज हैं वो इस तरीके के शेप के होते हैं। दीज हेल्प देम पैडल एंड पुश वाटर वाइल्ड स्विमिंग। ये इनकी इस तरीके के जो पंजे होते हैं ये इनको वाटर में पैडल मारने में, पैडल मार के ये चलती हैं। जैसे कि हम स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करते टाइम हम अपने हाथों को अप एंड डाउन करके चलते हैं ना, उसी तरीके से ये अपने क्लॉज को पैडल के तरीके से यूज़ करती हैं जिससे कि वो स्विम कर सकती हैं इजीली वाटर के अंदर। नाउ नेक्स्ट, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल, वल्चर एंड पिकॉक। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो मांस खाती हैं, फ्लैश मतलब मीट मांस खाती हैं, वो बर्ड्स हैं ईगल, वल्चर और पिकॉक। आप यू कैन सी दीज बर्ड्स इन द पिक्चर ऑल्सो, दिस इज़ द पिकॉक, दिस वन इज ईगल एंड दिस वन इज वल्चर। हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज टू सीज एंड क्रश देयर प्रे, दीज आर कॉल्ड टैलॉन्स। बच्चों जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं उनके जो क्लॉज होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और शार्प होते हैं। अगर इनके स्ट्रॉन्ग क्लॉज नहीं होंगे और शार्प नहीं होंगे तो ये अपने प्रे मतलब अपने शिकार को कैसे सीज, मतलब होता है टू टेक होल्ड ऑफ प्रे सडनली, एकदम से झपट लेना, उसको कब्जा कर लेना, ये उस पर कैसे कब्जा करेंगे। एंड क्रश देयर प्रे, क्रश माने होता है उसको तोड़ना, कब्जा करने के बाद उसको तोड़ेंगी फाड़ेंगी, टीयर करती हैं मांस को, तभी तो वो खाती हैं बर्ड्स जो होती हैं। तो जो बर्ड्स होती हैं उनके क्लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग और शार्प होते हैं जिससे कि वो अपने प्रे को सीज और क्रश कर सकें। इन बर्ड्स को क्या कहते हैं, टैलॉन्स बर्ड। टैलॉन बर्ड होती हैं स्पेशली वन दैट किल अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स फॉर फूड, अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल्स को मारती हैं। स्क्रैचिंग बर्ड्स लाइक हैन एंड क्वेल हैव शार्प एंड हार्ड क्लॉज टू डिग द ग्राउंड। स्क्रैचिंग बर्ड्स होती हैं, स्क्रैच का मतलब होता है बच्चों टू रब द ग्राउंड विद देयर क्लॉज, जो बर्ड्स जमीन को खोदती हैं, स्क्रैच करती हैं, रब करती हैं, ठीक है। वो बर्ड्स कौन सी होती हैं, हैन एंड क्वेल। इनके जो क्लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं और हार्ड होते हैं, क्योंकि ये तभी तो ग्राउंड को डिक कर पाती हैं। ग्राउंड को डिक करने के लिए, खोदने के लिए पैने और हार्ड क्लॉज होने चाहिए जो कि स्क्रैचिंग बर्ड्स हैन और क्वेल के होते हैं। देखो ये होते हैं स्क्रैचिंग बर्ड्स, इनके नाखून देखें कितने शार्प होते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड्स लाइक वुडपैकर हैव टू टोज पॉइंटिंग इन द अपर डायरेक्शन एंड टू टोज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दीज टोज हेल्प देम टू क्लिंप अप एंड होल्ड ऑन टू ट्री। क्लाइंबिंग मतलब होता है चढ़ना, ऊपर की साइड चढ़ना। जो वुडपैकर होता है देखो आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में कैसे किस तरीके से क्लाइंब करके कैसे ट्री पर पकड़ा हुआ है। ये इसके जो टोज होते हैं, दो टोज आगे की साइड होते हैं और दो टोज पीछे की साइड होते हैं। टोज होते हैं ये फिंगर्स, इसकी जो फिंगर्स होती हैं दो फिंगर्स आगे की साइड अपवर्ड डायरेक्शन में होती हैं और दो फिंगर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। ये जो आगे और पीछे दो दो हैं वो किसके लिए होती हैं, ताकि ये ऊपर ट्री पर चढ़ सके, क्लाइंब कर सके और ट्री को होल्ड कर सके, पकड़ सके। देखो आप, दीज टू टोज आर अप इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दीज टू टोज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट इज वेडिंग बर्ड्स। वेडिंग बर्ड्स लाइक हेरन एंड क्रेन वॉक थ्रू वाटर। ये जो वेडिंग बर्ड्स होती हैं वो होती हैं हेरन, ये है हेरन बर्ड और ये क्रेन, ठीक है बच्चों। वेडिंग का मतलब होता है टू वॉक विथ डिफ़िकल्टी थ्रू मड और वाटर, वाटर और मड में बहुत डिफ़िकल्टी से चलना। हेरन जो होता है अ लार्ज बर्ड विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स।
ये देख रहे हैं आपके लॉन्ग नेक और लॉन्ग लेग्स हैं. क्रेन हैव लॉन्ग लेग्स विथ स्प्रेड आउट टोज दैट हेल्प देम टू वॉक इन वाटर. इसके जो टोज होते हैं वो बाहर की साइड निकले फैले हुए होते हैं जो कि इसको वाटर में चलने में हेल्पफुल रहते हैं. ये वॉक भी कर लेता है बहुत ईजीली क्रेन और हेरन जो है. क्यों? क्योंकि इट हैज़ अ लॉन्ग लेग्स एंड विथ स्प्रेड आउट टोज. इनके जो लॉन्ग लेग्स हैं उनकी जो टोज हैं वो बाहर की साइड निकले हुए होते हैं जो कि इनको भागने में बहुत हेल्प करते हैं वाटर में. दीज वर्ड पिक अप फिश फ्रॉम द वाटर. ये बर्ड्स जो है फिश खाती हैं और ऐसे ही दौड़ लगा के अपने लॉन्ग लेग्स की हेल्प से ये फिशेस को कैच करती हैं और अपना खाना ढूंढ लेती हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेस्ट ऑफ सम इंटरेस्टिंग बर्ड्स. कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जिनके बहुत इंटरेस्टिंग नेस्ट होते हैं, घोंसले होते हैं, उनको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट टू ले एग. दे बिल्ड देयर नेस्ट हाई अपॉन ट्री इन वॉल्स एंड क्लिप्स. जो बर्ड्स होती हैं वो अपने नेस्ट क्यों बनाती हैं? ताकि वो अपने अंडे उसमें डाल सकें, रख सकें. और ये अपने नेस्ट कहाँ पे बनाती हैं? ये अपने नेस्ट ट्री पे, पेड़ों पे, दीवारों पे और क्लिप होता है चट्टानों पे बनाती हैं. और ग्राउंड पे भी बनाती हैं और घरों में भी हम देख लेते हैं. अपने घरों में हमें बर्ड्स के नेस्ट देखने को मिल जाते हैं. बर्ड्स मेक अ टेम्परेरी होम विथ ट्विग्स लीव्स एंड ग्रास विच इज़ यूज मेनली फॉर लेइंग एग. ज़्यादातर जो बर्ड्स होती हैं वो अपना नेस्ट जो है टेम्परेरी बनाती हैं. वो परमानेंटली उसमें रेस्ट नहीं करती, वो हमेशा के लिए उसमें नहीं रहती. सिर्फ नेस्ट वो अपने एग्स को ले डाउन करने के लिए बनाती हैं, अपने एग्स को हैच करने के लिए उसमें बनाती हैं. और उनके जो नेस्ट होते हैं वो ट्विग से, छोटी छोटी टहनियों से और पत्तों से और घास से बने हुए होते हैं. दे हैच द एग एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ द यंग वन अंटिल दे आर रेडी टू फ्लाई. ये अपने अंडे उसमें देती हैं और तब तक उसकी देख रेख करती हैं तब तक जिसमें एक एग में से बच्चे कम आउट ना हो जाएं. और उनकी प्रॉपर केयर करती हैं अपने बच्चों की तब तक वो उड़ने के योग्य ना हो जाएं. आफ्टर दैट द बर्ड लीव देयर नेस्ट. उसके बाद बर्ड उस नेस्ट को छोड़ के चली जाती है. जैसे ही उसके बच्चे अंडे में से निकल आते हैं और वो उड़ने के लायक हो जाते हैं तो बर्ड उस नेस्ट को छोड़ के चली जाती है. डिफरेंट बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन डिफरेंट वे. अलग अलग तरीके की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बर्ड डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अपने नेस्ट बनाती हैं. पिविट और प्लावर ले एग इन द स्क्रैप ऑन द ग्राउंड. ये दो बर्ड्स के नेम हैं. पिविट एंड फ्लावर बर्ड जो होती हैं वो अपने एग जो भी ग्राउंड में स्क्रैप पड़ा होता है, स्क्रैप का मतलब होता है बच्चों रद्दी और कूड़ा करकट, उसमें अपने अंडे देती हैं. वाटर बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन और बिसाइड द वाटर. जो वाटर बर्ड्स होती हैं जो वाटर में रहती हैं वो अपने अंडे जो हैं वो कहाँ देती हैं? सॉरी, जो वाटर बर्ड्स होती हैं वो अपने नेस्ट, अपने घोंसले पानी में या फिर पानी के बाहर बनाती हैं. पिजन एंड स्पैरो मेक देयर नेस्ट इन आवर हाउसेस. हम ज़्यादातर अपने घरों में घोंसले देखते हैं बच्चों, छतों पर या गाटर वगैरह के ऊपर हमें छतों पर दिख जाते हैं घोंसले बर्ड्स के बने हुए. वो कौन सी दो बर्ड्स हैं जो नॉर्मली हमारे घरों में अपने घोंसले बनाती हैं? वो बर्ड्स हैं पिजन एंड स्पैरो. देखो ये रहा पिजन एंड स्पैरो, ये इस तरीके से घरों के कोनों में छतों पर अपने घोंसले बना लेती हैं. क्रो पैरट एंड अदर मेक देयर नेस्ट ऑन ट्री. जो क्रो होती है और जो पैरट तोता होता है वो अपने नेस्ट ट्रीज पे बनाती हैं इस तरीके से. कुकू नेवर मेक्स अ नेस्ट. जो कुकू बर्ड कोयल बर्ड होती है वो कभी भी अपना नेस्ट नहीं बनाती. इट लेट्स एग इन अ क्रोज नेस्ट. ये अपने अंडे जो है बच्चों कहाँ देती है? क्रो के नेस्ट में देती है. क्योंकि क्रो भी ब्लैक होता है, कुकू भी ब्लैक होती है, तो वो अपने अंडे जो है क्रो के नेस्ट में डाल जाती है और क्रो ही उसके अंडों की देखरेख करता है और उनकी देखभाल करता है. टेलर बर्ड मेक इट्स नेस्ट
nest by swing two or three large leaves. जो टेलर बर्ड होती है बच्चों, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, टेलर बर्ड जो सिलने वाली बर्ड होती है, ये अपना घोंसला दो और तीन बड़ी बड़ी पत्तियों को मिलाकर सिल लेती है. देखो ये देखो बड़ी बड़ी पत्तियाँ कैसे इसने ज्वाइन करके सिल रखी हैं. इट यूज इट्स बीक एज अ निडल एंड बिट्स ऑफ वूल ग्रास और स्पाइडर्स वेव एज थ्रेड. ये जो बर्ड होती है टेलर बर्ड, ये अपनी चोंच को सुई की तरीके से यूज़ करती है और जो धागे होते हैं और जो ऊन के धागे होते हैं और घास जो होती है या फिर जो स्पाइडर की जाले होते हैं उनसे ये अपना थ्रेड की तरीके से उस दो तीन पत्तियों को सिल लेती है और अपना नेस्ट फॉर्म कर लेती है. द वीवर बर्ड्स वीव्स इट्स नेस्ट विद ग्रास. इट्स नेस्ट इज बोटल शेप्ड. इट इज़ वेरी कोजी एंड शेप. जो बीवर बर्ड होती है वो अपने नेस्ट को बुनती है. ये भी टेलर बर्ड की तरह ही वो सिलती है, ये बुनती है, बस फ़र्क इतना है ये ग्रास से अपने नेस्ट को बुनती है. इट्स नेस्ट जो इसका जो नेस्ट है वो बोटल शेप्ड का होता है. ये बहुत कोजी, बहुत आरामदायक और सुरक्षित होता है. द वुडपैकर मेक्स होल डीप इन द बार्क ऑफ अ ट्री. ये अब आ जाओ वुडपैकर के पास. वुडपैकर जो होती है वो अपनी जो रहने के लिए है वो क्या कहाँ पे घर बनाती है, वो बनाती है बार्क होता है बच्चों, तना, जो पेड़ का तना होता है उसमें बीच में डीप होल कर देती है अपने स्ट्रॉन्ग और शार्प बीक से. ये इसकी चोंच होती है वो बहुत शार्प होती है, इससे वो होल करके उसमें क्या बना लेती है, बार्क में जगह बना लेती है अपने घर के लिए. बल्चर एंड एग ईगल्स बिल्ड अनटाइडी नेस्ट ऑफ विंग्स एंड ब्रांचेस. जो बल्चर होता है, गिद्ध और जो चील होती हैं, वो अपने नेस्ट जो है बच्चों बहुत गंदी तरीके से, बहुत अनटाइडी नेस्ट बनाते हैं. किससे बनाते हैं, ये पंखों से और टहनियों से. पेंग्विन मेक्स इट्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड विथ पेबल्स. जो पेंग्विन होता है बच्चों वो जमीन पर अपना नेस्ट बनाता है और किसकी हेल्प से बनाता है, इट टेक हेल्प ऑफ पेबल्स. पेबल्स होते हैं छोटे छोटे पत्थरों की हेल्प से ये ग्राउंड पर नेस्ट बनाता है, यहाँ अंडे देता है. पैटरिज मेक्स अ शैलो होल इन द ग्राउंड. पैटरिज जो होती है बच्चों वो ग्राउंड में अ शैलो होल बनाती है. शैलो होल मीन्स इट इज़ नॉट टू मच डीप. ये ज़्यादा डीपली नहीं बनाती है, थोड़ा सा ही होल बनाती है ग्राउंड में. विच इज़ सराउंडेड बाय टॉल ग्रास. और जो इसका नेस्ट होता है वो बड़ी बड़ी घासों के बीच में ये शैलो होल करती है, वहाँ पर अपना नेस्ट बनाती है. इट लाइंस द होल विद ग्रास एंड लीव्स टू मेक इट कोजी. ये अपने जो होल के जो चारों साइड की लाइन होती है वहाँ पर ग्रास और लीव्स लगा लेती है, पत्तियाँ और घास को लगा लेती है, जिससे कि उसका जो नेस्ट है वो बहुत आरामदायक कोजी बन जाए. आउल मेक देयर नेस्ट इन द होल हॉलो ऑफ अ ट्री और अ वॉल. जो आउल होता है वो भी वुडपैकर की तरह होल बना लेता है ट्री में, या तो वहाँ रहता है या फिर ये वॉल्स के ऊपर अपने नेस्ट को बनाता है. आउल्स हैव द बेस्ट विजन एंड हियरिंग एट नाइट. जो आउल होते हैं उनकी बहुत अच्छी देखने की शक्ति होती है और सुनने की क्षमता उनकी रात में बहुत अच्छी होती है. Caring of young ones, like other creatures, birds also take care of their young ones. जैसे सारे creatures अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही bird में भी एक quality है कि वो अपने छोटे बच्चों का उनका ध्यान रखती है. Once the eggs are laid, they have to be kept warm. जैसे ही वो अंडे देती है उसके बाद उसको वो गर्माई देने के लिए उसके पास बर्ड जो है रहती है. This is mostly done by the mother bird. ये जो काम है अंडे को गर्माई देना, ये काम जो है वो मदर बर्ड के थ्रू किया जाता है. Who sits on the eggs most of the time. वो ज़्यादातर एग पर बैठी रहती है, जिससे कि गर्माई से जो बच्चा है वो जल्दी एग से बाहर निकल के आता है. The father birds keep
keeps watch and also brings food for the mother bird. जो father bird होता है वो माँ के लिए खाना लेकर आता है और उनकी देखभाल करता है बच्चे की और माँ की. The baby birds keep growing inside the egg and uses the yolk as its food. जो बच्चा होता है वो एग के अंदर रहता है. योक बच्चों जो आपने कभी एग को देखा होगा तो उसके अंदर एक येलो पार्ट होता है, येलो पोर्शन होता है, वो होता है योक. तो वो जो एग के अंदर बच्चा होता है वो उसी को खा के अपना गुजारा करता है, वो उसका खाना होता है उसमें. When it is big enough, the young birds come out cracking the eggs. जैसे ही वो थोड़े बड़े हो जाते हैं अंडे में तो वो उसको तोड़ के क्रैक करके बाहर निकल आते हैं. The young birds are very weak. जो यंग बर्ड्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं. दे हैव नो फैदर एंड देयर आइज आर क्लोज्ड. जो वो बहुत कमज़ोर होते हैं, उनके पंख भी नहीं होते हैं और उनकी आइज बंद होती हैं जब वो पैदा होते हैं, निकलते हैं एग में से. ये देखिए आप, जो मैंने आपको बताया कैसे फादर बर्ड जो है वो अपने बच्चों की देख रेख कर रहा है, कैसे उनको वॉच कर रहा है एंड कैसे उनके लिए खाना ला रहा है. बोथ बर्ड पेरेंट्स बिजी इन फीडिंग. दोनों मदर बर्ड एंड फादर बर्ड्स कैसे बच्चों को खाना दे रहे हैं, फीड करा रहे हैं. अब जैसे ही उनके बच्चे बड़े होते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट चिक है, मतलब चिक बच्चा है उनका. When the baby birds get feather and are strong enough, they leave the nest and fly in search of food. जैसे ही बेबी बर्ड जो है उसके फेदर आ जाते हैं और वो स्ट्रांग हो जाता है, वो नेस्ट को छोड़ के खाने की तलाश में उड़ जाता है. ये हो गया बच्चों आपका चैप्टर 3 कंप्लीट. अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे और वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर एंड बुक एक्सरसाइज टर्न करेंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 3. फर्स्ट वर्ड इज नेस्ट. नेस्ट इज अ बर्ड्स हाउस. जो चिड़िया होती है उनके घर को कहते हैं नेस्ट. पर्चिंग प्लेस फॉर रेस्ट. पर्चिंग होती है वो जगह जहाँ पर चिड़िया सिट करती है ब्रांचेस पे और रेस्ट करती है. टेल ऑन शार्प क्लॉज. टेल ऑन मतलब होता है बहुत नुकीले क्लॉज, पंजे. वेडिंग बर्ड्स बर्ड्स वॉक ऑन वाटर. वो बर्ड्स जो वाटर में वॉक करती हैं. वेब फीट जॉइन टूज टुगेदर टू. जिनके टोज जो होते हैं वो स्किन से बीच में जुड़े हुए होते हैं. फीड माने टू ईट, खाना. शैगी अनटाइडी हेयर मतलब बिखरे हुए बाल, अनटाइडी हेयर. प्रे टू किल एनिमल्स मतलब एनिमल्स का शिकार करना, प्रे. नाउ स्टूडेंट वी विल डू बुक एक्सरसाइज ए पार्ट. चूज द करेक्ट आंसर. 1. बर्ड्स लाइक डक, स्वान एंड स्पून विल हैव. क्या होती है इनकी बीक, कैसी होती है? मैंने आपको बताया था ब्रॉड सॉफ्ट एंड फ्लैट बीक. 2. फीट विथ 3 टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड एंड 1 टो पॉइंटिंग बैकवर्ड हैव द बर्ड इन. जिन बर्ड्स की टोज 3 आगे और 1 पीछे होते हैं वो काय के लिए होते हैं? होल्डिंग द ब्रांचेस टाइटली. मैंने आपको बताया था ये चीज. 3. अ बर्ड दैट ले एग्स इन द स्क्रैप ऑन द ग्राउंड इज. जो बर्ड्स अपने एग जो है जमीन पर कूड़ा करकट में देती हैं वो मैंने आपको कौन सी बर्ड्स बताई थी? फ्लावर बर्ड. 4. द वीवर बर्ड्स मेक अ. कैसा नेस्ट बनाती है वो? बोटल शेप नेस्ट. जो वीवर बर्ड होती है उसका नेस्ट की शेप कैसी होती है? बोटल शेप. द फीचर दैट डज नॉट हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई इज. वो फीचर जो बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प नहीं करता वो कौन सा फीचर है? स्ट्रॉन्ग बीक. हॉलो एंड लाइट बोन्स, ये होगा तभी वो फ्लाई कर पाएगी. विंग्स होंगे तभी वो फ्लाई कर पाएगी. ऑल ऑफ देम होगा तो भी नहीं. स्ट्रॉन्ग बीक. बीक का ऐसा कोई हेल्प यूज़ नहीं होता उसके फ्लाई करने में. तो ये पॉइंट इसका रॉन्ग है. फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. ये बॉक्स में जो बर्ड्स दे रखे हैं इसकी हेल्प से ये सेंटेंसेस फिल करनी है. फर्स्ट सेंटेंसेस
आउल बिल्ड इट्स नेस्ट इन, आउल अपना बिल्ड कहाँ पे नेस्ट कहाँ बिल्ड करता है, वॉल्स पर, दीवारों पर. बर्ड्स यूज देयर डेस्ट टू कलेक्ट मटेरियल फॉर देयर नेस्ट. बर्ड अपनी जो नेस्ट होता है उसको बनाने के लिए मटेरियल किससे कलेक्ट करती है, उसके हाथ तो होते नहीं, वो किससे करती है, बीक, चोंच से. द डेस्ट मेक्स होल्स डीप इन द बार्क ऑफ अ ट्री. ट्री के जो तना होता है उसमें कौन होल करता है, वुड पैकर. वी शुड नॉट डिस्टर्ब बर्ड्स, हम किस चीज़ को, बर्ड की चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करते, इसके नेस्ट को. अगर हम उसके नेस्ट को डिस्टर्ब कर दें तो वो इसे छोड़ के चली जाती है. फादर बर्ड्स डैश देयर चिक. फादर बर्ड क्या करते हैं, अपने बच्चों का गार्ड करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं. सी टिक करेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन. जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग करना है, जो करेक्ट है उसको करेक्ट करना है. बर्ड आर टू फिटेड एनिमल्स, राइट, टू फिटेड होते हैं. बीक इज शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी. हाँ, बीक शॉर्ट भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है, हॉर्नी भी हो सकती है. स्ट्रॉन्ग हुक्ड बीक इज यूज फॉर क्रैकिंग द नट. नो, जो स्ट्रॉन्ग हुक्ड बीक होती हैं वो क्या के लिए होती है, टीयरिंग द फ्लैश, नॉट क्रैकिंग द नट्स. ये रॉन्ग हो जाएगा. स्मॉल हेयर लाइक लाइट फेदर्स दैट कवर द बर्ड्स बॉडी आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर. नो, बॉडी फेदर होते हैं जिससे बर्ड्स के बॉडी कवर रहती है. कुकू डज नॉट केयर अबाउट द इट्स यंग वन, राइट. कुकू जो होती है वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती, वो अपने अंडे कहाँ देती है, वो क्रो के नेस्ट में अपने अंडे देती है. मैच द कॉलम्स, फर्स्ट इज पेंगुइन. में पेंगुइन का मैच किससे होगा बच्चों, मेक नेस्ट आउट ऑफ पेबल्स, पेबल्स से बनाती है अपना नेस्ट. टेलर बर्ड, टेलर बर्ड क्या करती है, स्वीस अ लीव्स टू मेक नेस्ट, सिलती है पत्तियों को अपना नेस्ट बनाने के लिए. स्पैरो मेक नेस्ट इन आवर होम्स, हमारे घरों में स्पैरो घर बनाती है, अपना नेस्ट बनाती है. वुड पैकर पैक्स अ होल इन अ ट्री ट्रंक, वो ट्री ट्रंक में अपना होल करके नेस्ट बनाता है. वीवर बर्ड्स की जो नेस्ट होता है वो बोटल शेप होती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ बीक, बीक के क्या फंक्शन होते हैं. बर्ड्स यूजेस देयर बीक टू कैच होल्ड एंड ईट फूड. बर्ड जो होती है अपनी बीक काय के लिए काम में लाती है, पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, कस के पकड़ना, कैच माने पकड़ना, और ईट माने खाना, खाने खाने के लिए काम में लेती है. Why do different birds have different kind of beak? क्यों हर बर्ड के पास अलग अलग तरीके की बीक होती हैं, हर बर्ड की अलग बीक क्यों होती है. Different birds have different kind of beak depending upon the types of food they eat. हर बर्ड की जो बीक होती है वो अलग इसलिए होती है क्योंकि वो जैसा खाना खाती हैं, कुछ बर्ड्स फ्लैश खाती हैं, मीट खाती हैं, कुछ बर्ड्स नट्स खाती हैं, कुछ ग्रास खाती हैं, कुछ इंसेक्ट्स खाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो हैबिट्स है खाने की, उसी के अकॉर्डिंग उनकी बीक होती है. नेम द काइंड्स ऑफ फेदर बर्ड्स है, बर्ड्स के पास किस तरीके के फेदर्स होते हैं. हमने पढ़े थे बर्ड्स हैव फोर टाइप ऑफ फेदर. वन इज डाउन फेदर, सेकेंड इज बॉडी फेदर, थर्ड इज फ्लाइट फेदर एंड फोर्थ इज टेल फेदर. वॉट हेल्प्स अ बर्ड टू फ्लाई, क्या चीज बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करती है. द स्पेशल बॉडी फीचर्स ऑफ बर्ड्स हेल्प टू फ्लाई, जो बर्ड की स्पेशल फीचर्स हैं बॉडी में वो उसको उड़ने में सहायता करते हैं. वॉट काइंड ऑफ फीट डू डक्स एंड गीज हैव, किस तरीके के पंजे डक और गीज के पास होते हैं. डक एंड गीज हैव वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग, जो डक और गीज होते हैं उसके जालीदार पंजे होते हैं जिससे कि वो वाटर में स्विम कर सके, तैर सके. बच्चों देर इज टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइंस एंड सेंस, सो वी विल डू दीज टू क्वेश्चंस ऑल्सो. वॉट वुड हैपन इफ बर्ड्स डू नॉट हैव लाइट एंड होलो बोन्स, अगर बर्ड्स के पास लाइट हल्की और होलो बोन्स मतलब खोखली बोन्स नहीं होती तो क्या होता.
तो वो उड़ नहीं पाते। तो उसका आंसर होगा बच्चों, इफ बर्ड्स डू नॉट हैव लाइट एंड हॉलो बोन्स दे कैन नॉट फ्लाई। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, वॉट वुड हैपन इफ बर्ड्स डू नॉट मेक देयर नेस्ट। क्या होता अगर बर्ड्स अपने नेस्ट को नहीं बनाती। इफ बर्ड्स डू नॉट मेक देयर नेस्ट दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर एग्स और यंग बर्ड्स। अगर उनके नेस्ट नहीं होते तो वो अपने बच्चों के और अपने अंडों की देख रेख नहीं कर पाती। ये तो हो गया बच्चों क्वेश्चन आंसर। अब ये लर्न विथ फन है। लुक एट दीज बीक्स एंड क्लॉज ऑफ द बर्ड्स, राइट द नेम ऑफ द बर्ड्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड गिवन इन द बॉक्सेस। ये बॉक्सेस में जो बर्ड्स के नेम दे रखे हैं, आपको ये पहचानना है किस बर्ड की बीक है। फर्स्ट आपको देखो, आपको देख के पता चल रहा होगा ये ईगल की है, ये पैरट, ये डक और ये स्पून बिल। स्पून बिल की जो बीक होती है वो स्पून जैसी होती है। ये क्लॉज है, फर्स्ट क्लॉ है हेन का, सेकंड वन वुडपैकर, डक, देन ईगल। नाउ बच्चों योर चैप्टर थर्ड इज कंप्लीटेड। डू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी एंड बुक एक्सरसाइज इन योर बुक। थैंक यू।